In this module, we are going to explain and understand an overall supply chain and the role of an ERP in collaborative planning. Uh, any ERP system helps you to manage, store, and distribute the information which is present in the organization. You might be thinking, what information do has store? Well, any part which is missing. तो इन्फॉर्मेशन जब तक ट्रांसमिट नहीं होगी दूसरे डिपार्टमेंट्स तक नहीं पहुंचेगी तो क्या हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में वो आपको नहीं पता लग सकेगा तो द फोकस ऑफ दिस मॉड्यूल इज ऑन सप्लाई चेन एंड द रोल ऑफ ईआरपी इन द कोलेबरेटिव प्लानिंग तो आइए इसको रिव्यू कर दें इन द केस ऑफ फिटर स्नेकर के स्टडी इट इज ए पार्ट ऑफ ए सप्लाई चेन नाउ दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक बार्स एंड अब नोट कीजिए कि ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा विथ फार्मर ग्रोइंग ओट्स एंड वीट अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो इंफॉर्मेशन जरूरी है जो फार्मर के पास है उसने कितना क्वांटिटी में ओट्स एंड वीट बनाया कब तक वो अवेलेबल होगा कैसे पहुंचेगा आपके प्लांट तक इट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन क्योंकि अगर बिकॉज ऑफ एनी वेदर कंडीशन अगर वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा फार्मर और उसकी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं है तो डेफिनेटली जो आपने सारा प्लान बनाया होगा नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर का वो सारा डिस्टर्ब होगा तो इंफॉर्मेशन इज वेरी क्रिटिकल एंड इट्स एंड विद ए कस्टमर बाइंग एन एनर्जी बार फ्रॉम ए रिटेल स्टोर नाउ यू इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली स्टार्टिंग फ्रॉम द फार्मर टू एक्चुअली सेलिंग इट रिटेल शॉप इसके बीच में ओवरऑल सप्लाई चेन है काफी एक्टिविटीज हैं, काफी प्रोसेस है। बहुत ज्यादा डेटा जनरेट होगा वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए और वो इंफॉर्मेशन पास ऑन होनी चाहिए टू द कंपनी टू द वेंडर टू तो द सप्लायर टू तो द मैन्युफैक्चरर, ताकि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग हो और कम टाइम के अंदर और कम कॉस्ट के अंदर चीजों को डिलीवर किया जाए और काम को कंप्लीट किया जाए ईरपी सिस्टम कैन प्ले ए की रोल इन क्रेबलेटिव प्लानिंग नेंडर सप्लायर्स मैन्यूफैक्चर रिटेल शॉप इफ ऑल हैव समाइप ऑफ ई आर पी सिस्टम दे कैन ऑल कैन वर्क टूगेदर टू मेक श्योर कि आपका प्लान और हमारा प्लान इस तरीके से इन सिंक हो इस तरीके से एग्जीक्यूट uh, हो ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आ सके इफ एनी थिंग विल डिस्टर्ब इन बिट्वीन तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट पूरी सप्लाई चेन पे होगा न सप्लाई चेन द टर्म विच आई है इससे क्या मुराद है इट इज ऑल द एक्टिविटीज दैट अकर बिटवीन द ग्रोइंग ऑफ अ रॉ मेटीरियल एंड अपीयरस ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑन द स्टोर शेल्फ तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉ मेटीरियल कितनी क्वांटिटी बना कब बना कितने सीजन में बना टू ऑल द वे टू फिनिश प्रोडक्ट ऑन द रिटेल शॉप इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं बहुत ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व हैं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व है तो दिस इज ओवरऑल सप्लाई चेन के अंदर अगर मोस्ट ऑफ द कंपनीज वेंडर्स मैन्यूफैक्चरर्स और रिटेल शॉप्स इफ दे हैव वन कॉमन ईआरपी सिस्टम तो इट इज ईजिली इंफॉर्मेशन इज ईजिली ट्रांसमिटेबल इंफॉर्मेशन का यूजेज आसान और रेलिवेंट होगा जनरली इन ट्रेडिशनल सप्लाई चेन इंफॉर्मेशन इज पास्ड थ्रू द सप्लाई चेन रिएक्टिवली एज पार्टिसिपेंट इनक्रीज देअर प्रोडक्ट ऑर्डर नो रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव रिएक्टिव के अगर कुछ हो चुका है तो उसके अगेंस्ट आपने काम करना है प्रोएक्टिव अप्रोचेज के काम को होने से पहले आप इंटीमेट कर दें कि ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है अब आप प्लान प्रॉपर तरीके से कर सकते इन एडवांस कर सकते इनहेरिट टाइम लैग्स कॉज प्रॉब्लम अगर कोई टाइम लैग्स होंगे इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से टाइमली नहीं ट्रांसमिट होगी तो उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा नॉट टू वन पार्टी और वन स्टेक होल्डर बट मल्टीपल पार्टीज मल्टीपल स्टेक होल्डर यू माइट बी थिंकिंग वो कौन से हो सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी रॉ मेटीरियल ऑल द वे टू द फिनिश प्रोडक्ट वेंडर्स सप्लायर्स मैन्युफैक्चर रिटेल शॉप ओनर्स तो सारे एंड प्लस द कस्टमर सारे इफेक्ट होंगे अगर कोई एक भी इशू आता है इन दिस डायग्राम इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व द रॉ मेटीरियल स्टार्ट एंड द गुड्स सेंड टू दप्लायर्स सप्लायर क्या करेगा उसको भेजेगा टू द मैन्युफेक्चर नाउ Depending on the type and the quantity of the raw material, uski payments will also be made So, if you can see the flow from supplier, manufacturer, wholesaler, retail, and to the customer, the materials are moved from one to another stakeholder. In this case, we are focusing on supplier, manufacturer, wholesaler, retailer, and customer. And when the materials are moved or items are moved or goods are moved, to uske against payments be which you can observe the arrow is going back, or uske against pasab receive hore, and in the end, the thing is important hai is the information. information also has to be passed, takeshare, stakeholders, ko information, kapataho, or timely information unke paas ho. working with suppliers in a collaborative fashion requires trust among all the parties. वो सारे स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व हैं रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट रिटेल शॉप तक उन ट्रस्ट जरूरी है कोलेबरेटिवली कंपनी ओपन इस रिकॉर्ड टू द सप्लायर दे कैन मेक श्योर कि वो ईआरपी सिस्टम मौजूद है ताकि सप्लायर वो देख सकें सप्लायर कैन रीड कंपनी डेटा बिकॉज ऑफ कॉमन डेटा फॉर्मेट गुड कंपनीज हैव गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर्स वो क्या करती हैं दे हैव ईआरपी सिस्टम जो उसी फॉर्मेट के अंदर डेटा को व्यूएबल करेगा सप्लायर्स के लिए ताकि सप्लायर को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद हो व्हाट आर दोज एडवांटेजेस व्हिच कैन हेल्प यू टू मेक एंड वर्क एफिशिएंटली। फर्स्ट इज रिडक्शन इन पेपर वर्क बहुत ज्यादा पेपर वर्क कम हो जाएगा क्योंकि रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हो रहे हैं सेविंग टाइम टाइम कम लगेगा एंड अदर एफिशिय Efficiency improvement not to one stakeholder but all the stakeholders which are involved, starting from the raw material to the finished product.